चले आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। नायब सरन इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन का आयोजन होगा, सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। और बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी का आज कुरुक्षेत्र दौरा रहने वाला है। राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव अरोरा जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, जहां आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का दौरा है, राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया, कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? हाँ जी, देखिए अब से कुछ देर में जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और राज्य स्तरीय जो सरपंच सम्मेलन है उसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसके अलावा राज्य मंत्री सुभाष सुधा व पंचायत मंत्री महिपाल ढाना भी जो है इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विधानसभा चुनावों का चंद दिनों के उपरांत जो है आगाज होना है, तो सरपंचों की जो नाराजगी है उसे जो है कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने के लिए, उसे कहीं ना कहीं कम करने के लिए, उन्हें साधने के लिए जो ये आज राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन बुलाया गया है। क्योंकि पिछले दिनों की यदि बात की जाए तो सरपंच जो है अपने ई टेंडरिंग और अपनी शक्तियां कम किए जाने से जो है खफा थे, तो आज कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी सौगात, बड़ी घोषणा की जा सकती है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो है लगभग समय की यदि बात की जाए तो 1:30 बजे के करीब जो है ये कार्यक्रम जो है राज्य स्तरीय शुरू हो जाएगा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो ऑडिटोरियम है वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बड़ा आयोजन है, पूरे प्रदेश भर से जो सरपंच है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आएंगे, जिसको लेकर जो है तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुरक्षा के प्रबंध जो है सभी चाक चौबंद कर लिए गए हैं। उपायुक्त शांतनु शर्मा की यदि बात की जाए, जो नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक है जो संदीप, वो जो है खुद सुरक्षा प्रबंधों का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा प्रबंधों की जो कमान है वो आला अधिकारियों ने संभाली हुई है और ये जो सरपंच सम्मेलन है इसमें आज कोई ना कोई बड़ी घोषणा जो है संभावित है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया राजीव आपका।